हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेलोरेंट मोबाइल के बारे में। सो प्रीवियस वेलोरेंट वाली वीडियो में हमने देखा था कि भाई वेलोरेंट का एक गेम प्ले लीक हुआ था, जो था भाई चाइना के एक प्ले टेस्ट का, जहां पे हमको गेम प्ले की फुटेज एंड इसके साथ साथ लॉबी की इमेजेस वगैरह भी देखने को मिली थी। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेलोरेंट मोबाइल की डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज है एंड इसके साथ साथ हम बात करेंगे वेलोरेंट का बहुत ही जल्द एक बीटा आ सकता है, इससे रिलेटेड भी न्यूज है। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो भाई वीडियो अंत तक देख लेना एंड वीडियो पसंद आती तो भाई जरूर से लाइक कर देना। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 2 जून को ही हमको जो है जो वेलोरेंट की सेकेंड एनिवर्सरी, उस पर ही हमको वेलोरेंट मोबाइल का बीटा देखने को मिल सकता था या फिर कुछ और न्यूज़ देखने को मिल जाती, बट 2 जून को हमको कुछ भी नहीं देखने को मिला। बट अभी जो है वेलोरेंट मोबाइल के बीटा से रिलेटेड एक लीक निकल के आया, जिसमें जस्ट फॉर लीक नाम का एक ट्विटर हैंडल है जिसने ट्वीट करके हमको ये बताया, वेलोरेंट मोबाइल क्लोज्ड बीटा इन सिलेक्टेड कंट्रीज इन जुलाई, मोर डिटेल कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। सो इस लीकर का कहना है कि जो क्लोज बीटा हो सकता है वेलोरेंट मोबाइल का, वो जुलाई में आ सकता है एंड हम इनके ट्वीट पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रस्टेड लीकर है, पहले ही वॉरजोन एंड वॉरजोन मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे लीक इन्होंने दिए हैं एंड इनके इस ट्वीट को भाई डैनी इंटेल ने भी भाई रीट्वीट करा है। अब डैनी इंटेल वही बंदा है जिसने भाई जो चाइना के प्ले टेस्ट के जो गेम प्ले फुटेज थी उनको लीक किया था एंड और भी बहुत सारे वेलोरेंट मोबाइल से रिलेटेड लीक्स देते रहते हैं। एंड इस ट्वीट के बाद उन्होंने भी भाई एक ट्वीट करा एंड उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है वेलोरेंट मोबाइल इज कमिंग। एंड इस ट्वीट के बाद हम समझ सकते हैं कि भाई वेलोरेंट मोबाइल बहुत ही जल्द आने वाला है एंड जो जस्ट फॉर लीक का क्लोज बीटा वाला जो ट्वीट था उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी राय दी है एंड उसमें एक बंदे ने कहा है इन वेलोरेंट पीसी दे स्टार्टेड क्लोज बीटा इन यूरोपियन रीजन इन अप्रैल 2020 देन ग्लोबल लॉन्च अराइव इन जून 2020। सो वी आर एक्सपेक्टिंग सेम इन मोबाइल लाइक क्लोज बीटा इन जुलाई देन ग्लोबल लॉन्च इन नेक्स्ट 3 to 4 months। सो इस बंदे का ये कहना है कि भाई जो वेलोरेंट पीसी था वो अप्रैल 2020 में भाई इसका क्लोज बीटा आया था एंड वो भाई जून 2020 में रिलीज हो गया था। तो सेम मोबाइल के साथ भी हो सकता है कि भाई जुलाई में आपको क्लोज बीटा देखने को मिल रहा है, तो 3 to 4 months में भाई जो हमको ग्लोबल लॉन्च भी देखने को मिल सकता है वेलोरेंट मोबाइल का। एंड इससे रिलेटेड एक आर्टिकल में भी यही लिखा है, द जस्ट फॉर लीक ट्विटर अकाउंट लीक द रायट वुड स्टार्ट बीटा टेस्टिंग वेलोरेंट मोबाइल शॉर्टली इन अ फ्यू कंट्रीज, अ पैटर्न फॉलोड बाय रायट प्रीवियसली बिफोर द लॉन्च ऑफ वेलोरेंट, इट वॉज सस्पेक्टिंग द रायट इज अल्फा टेस्टिंग वेलोरेंट मोबाइल इन चाइना एंड इफ द लीक इज कन्फर्म वी कैन एक्सपेक्ट वेलोरेंट मोबाइल्स लॉन्च बाय दिस ईयर। सो इस आर्टिकल में भी हम देख सकते हैं कि भाई रायट गेम एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसा उसने पीसी के साथ कर रहा था कि पहले जो एक उन्होंने बीटा क्लोज बीटा जो है लॉन्च किया था एंड फिर जो है हमको गेम देखने को मिला, तो हमको इस साल भाई गेम देखने को मिल सकता है। एंड अब बात करें कि भाई इसके लिए भाई मोबाइल की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, तो इससे रिलेटेड जस्ट फॉर लीग ने एक बंदे को रिप्लाई करते हुए ये कहा है, लाइक ऑलमोस्ट एनी मोबाइल गेम अ फेयरली डिसेंट फोन व्हेन यू कैन प्ले सीओडी मोबाइल और पबजी मोबाइल यू कैन प्ले वेलोरेंट। सो लीकर का कहना यही है कि भाई आपको एक डिसेंट सा फ़ोन लगेगा जिसमें भाई अगर सीओडी मोबाइल या पबजी मोबाइल चल जाता है तो वेलोरेंट मोबाइल भी भाई आसानी से चल जाएगा। एंड यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन भाई वेलोरेंट मोबाइल के बीटा से रिलेटेड, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट बताना एंड इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना वीडियो को एंड चैनल पर नए हो और इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज, मैं मिलूँगा आप सब अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।